हेलो गाइस, आप सबका अपने फूड ट्रेजर 1M चैनल में दिल से स्वागत है। आइए आज हम गर्मी के लिए एक रेसिपी तैयार करेंगे जो कि सबको बहुत ही पसंद होती है। यह है रूह अफ़ज़ा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप शुगर ली है, भर के पूरे। आप इसी रेशियो से जितना चाय बना सकते हैं। 2 कप शुगर लिए मैंने ये, और इसमें इसका हाफ वाटर यानी इसका केवल 1 कप पानी डालूंगी। आधा आधा कप करके मैंने 2 बार डाला है इसमें पानी। अभी 1 कप ये वाटर हो जाएगा पूरा, यानी जितना शुगर लिया है उसका आधा हम पानी लेंगे। और इसको हम गैस पर रख देंगे और चमचे की सहायता से इसको चलाते रहेंगे बराबर। चीनी इसमें जब तक घुल ना जाए तब तक इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए इसी तरीके से, जब तक दोस्तों आप लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे भी आने वाली रेसिपी सब आपको मिलती रहें। और पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें। ये देखिए चाशनी में उबाल आने लगा है। ये देखिए इसी तरीके से इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। मात्र 7 मिनट के अंदर ही चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। ये साइट्रिक एसिड है जो कि आधी चम्मच से भी बहुत कम लिया है, यानी नींबू के फूल जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप पर साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें नींबू के रस का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आप। 1 नींबू का रस निकाल कर इसमें छान कर आप डाल सकते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी अच्छे से हो चुकी है। मैं आपको इसमें देखिए ड्रॉप दिखा रही हूँ किस तरीके से। और ये हम जब तक इसमें डालेंगे आप एसेंस, रोज एसेंस यानी कि रोज वाटर 1 चम्मच भर के या 8 से 10 बूंदें इसमें आप अच्छे से डाल दें। और ये है लिक्विड कलर रेड वाला। आप पर जो भी हो, अगर आप पर सूखा वाला हो तो वो आप थोड़े से इसी चाशनी को अलग से निकाल कर उसमें घोल कर डाल दें। और ये देखिए ये भी 1 चम्मच कलर भर के अच्छे से मैं इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच में हो जाएगा आराम से। इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए गैस हमारी ऑफ है, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे हम बस। और इसको गैस से नीचे रखकर इसको अच्छे से इसी तरीके से हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे शरबत को। इसको हम इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमारा रूह अफ़ज़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। रूह अफ़ज़ा सभी को बहुत पसंद होता है। इसे आप चाहें दही की लस्सी में डालकर पिएं, या दूध में डालकर, या पानी में भी शरबत को घोल कर अच्छे से पी सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा देती हूँ, पानी का ही केवल। इसमें देखिए मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया है रूह अफ़ज़ा, और इसमें 2 क्यूब आइस डाल दी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, देखिए बस। और इसको मैं चम्मच से मिला दूंगी, अच्छे स्पून से इसको अच्छे से घोल देंगे। ये हमारा रूह अफ़ज़ा तैयार है। इसमें आप चाहें तो आइस क्यूब्स और ऊपर से डालकर पी सकते हैं, जितना चिल करना चाहे। बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप दूध में डालकर भी अगर पियेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब बिल्कुल हल्का गर्म रह जाए, बिल्कुल हल्का, तो इसको हम बोतल में रख कर बंद कर देंगे। तो ये काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी महीनों के लिए हमारा अच्छा सा बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में इसको रख सकते हैं। थैंक्स आपको पूरा वीडियो देखने